Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the use of list, otherwise, or else, and so that. Okay friends, list, or else, otherwise, and so that का इस्तेमाल हम किस तरह के sentences बनाने के लिए करते हैं, आज हम वो सीखेंगे. Okay friends, तो let's start the class of the day. फ्रेंड्स मैंने ये सेंटेंसेस लिख कर रखे हुए हैं, आपको सिर्फ समझना है. मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा पूरा, आप सिर्फ ध्यान से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, लिस्ट अदरवाइज और एल्स एंड सो दैट. फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये तीन सेंटेंस, सब सारे के सारे सेंटेंस का कहने का मतलब एक ही होता है, बट इस्तेमाल हम अलग अलग तरह के अर्थ के लिए करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लिस्ट है, जो फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस है ऊपर का, वो लिस्ट के लिए है. तो आई वर्क हार्ड लिस्ट आई शुड फेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कठिन मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं. मैं कठिन मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं. तो आई वर्क हार्ड लिस्ट आई शुड फेल. जब भी हिंदी के सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, इस तरह की बातें हो, तो उसमें हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके आगे वाले जो सेंटेंस होंगे उसको हम शुड लगाकर बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा शुड का इस्तेमाल करेंगे लिस्ट वाले में. तो ये क्लियर हो गया कि आई विल वर्क हार्ड लिस्ट आई शुड फेल, मैं कठिन मेहनत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं. दूसरा है राइट करेक्ट एड्रेस, लिस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स. सही सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए. ठीक है फ्रेंड्स, राइट करेक्ट एड्रेस, लिस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स. सही सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए. अभी तीसरा सेंटेंस है, डोंट गो देयर, लिस्ट ही शुड स्कोल्ड यू. डोंट गो देयर, लिस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू. वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे. वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे. तो डोंट गो देयर, लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू. ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन थे लेस्ट वाले. अब हम सेम सेंटेंस है बट बोलने का तरीका अलग है हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में भी उसका हम अलग तरीके से बनाते हैं. I will work hard, otherwise, yeah, or else, I will fail. Means, मैं कठिन मेहनत करूंगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा. मैं कठिन मेहनत करूंगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा. I will work hard, otherwise, yeah, or else, I will fail. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से otherwise और else दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, दोनों का साथ में इस्तेमाल मत करना, आप दोनों में से हम किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा है राइट करेक्ट एड्रेस, और एल्स कुरियर कैन गो समवेयर एल्स. सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है. ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो सेम सेंटेंस है दोनों, इसका भी अर्थ कहने का अर्थ वही है बट कहने का तरीका अलग है. हिंदी में हम अलग तरीके से कहते हैं, इसलिए उसका इंग्लिश भी अलग तरीके से कहना पड़ता है. ओके फ्रेंड्स, तो राइट करेक्ट एड्रेस और एल्स, या अदरवाइज भी हम लिख सकते हैं, और एल्स अदरवाइज कुरियर कैन गो समवेयर एल्स. सही पता लिखो, वरना नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी तीसरा सेंटेंस है, डोंट गो देयर अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू. डोंट गो देयर, वहां मत जाओ वरना वो तुम्हें डांटेगा. तो डोंट गो देयर अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू, या डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू. ओके फ्रेंड्स, अभी ये तीन सेंटेंस हो गए, ये और एल्स और अदरवाइज वाले थे, ये लिस्ट वाले थे. अभी नीचे के जो तीन सेंटेंस है, ये सो दैट वाले हैं. आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास. मैं कठिन मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं. आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास. ओके फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है,
आई विल वर्क हार्ड सो दैट सेंड, ये तो हो गया, राइट करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डजंट गो समवेयर एल्स, सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डजंट गो समवेयर एल्स। अभी तीसरा सेंटेंस है, बी विथ मी सो दैट आई डोंट फील बोर्ड, मेरे साथ रहो ताकि मैं बोर फील ना करूं, मेरे साथ ही रहो ताकि मुझे बोर फील ना हो। तो बी विथ मी सो दैट आई डोंट फील बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सारे के सारे सेंटेंस। ये फर्स्ट का 3 सेंटेंस यूज ऑफ लेस्ट एंड सेकंड वाला 3 सेंटेंस अदरवाइज और एल्स, और जो सबसे लास्ट का 3 सेंटेंस है उसमें हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि लेस्ट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करेंगे, सो दैट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करेंगे, और अदरवाइज और एल्स का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंस के लिए करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।